हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। वैसे तो आज मैं लेट हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन लेट हो ही जाता है। सबसे पहले शुरुआत की है मैंने एक्सरसाइज की, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जब तक सब सोते हैं तब तक मैं ये अपना एक्सरसाइज वाला काम कर लेती हूँ तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो सबसे पहले सुबह उठ करके एक्सरसाइज शुरू कर दी। एक्सरसाइज वही सेम होती है जैसा कि मैं करती हूँ। एक्सरसाइज में कभी कभार कोई बदलाव कर देती हूँ, वरना ये मेरी एक्सरसाइज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है और मेरे लिए ठीक ठाक है। इतना सारा फैट हमने कम किया है इसी सारी एक्सरसाइज से। सारी की सारी एक्सरसाइज एक से बढ़कर एक है, और सारी की सारी एक्सरसाइज ऐसा नहीं मैंने खुद से बनाई है, ये सारी एक्सरसाइज मैं देख के ही करना शुरुआत किया था। तो सबसे पहले यहाँ पे दोनों हाथ को ऊपर करके अपने पैर के बीच से दोनों हाथ लाना है। इससे क्या होगा, आपकी फुल बॉडी फुल पूरे शरीर का फैट धीरे धीरे कम होगा। इससे आपके पैर का भी फैट कम होगा, कमर के भी फैट कम होंगे, हाथ के भी फैट कम होंगे। ये वाली एक्सरसाइज से आपके बगल बगल के फैट, एक तो आपके कमर के बगल के फैट कम होंगे, दूसरे आपके हाथ में जो ऐसे जो हाथ के फैट होते हैं ना वो भी कम होते हैं हाथ। और ये वाली एक्सरसाइज आपके पैर के लिए है, और आपके कमर पे जहाँ मैंने हाथ लगा रखा वहाँ के फैट के कम करेगी। ये वाली बेली फैट को कम करेगी, जैसे बेली फैट में काफ़ी ज़्यादा खिंचाव होता है जब आप अपने पैर को आगे पीछे करेंगे, इससे सबसे ज़्यादा प्रेशर जो होता है हमारे बेली फैट पे पड़ता है। आप कम से कम सारी एक्सरसाइज की 20-20 की 2 सेट तो ज़रूर करें, मतलब 40 बार सारी एक्सरसाइज की 40-40 बार करें। मैं तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बाकी मुझे कट लगाना पड़ता है। अगर मैं एक्सरसाइज शेयर करूँ तो कम से कम मेरी एक्सरसाइज 20 मिनट की तो होती ही होगी, लगभग लगभग 20 मिनट से मैं 4-5 मिनट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये वाली एक्सरसाइज आपके हैंड एंड ब्रेस्ट को टोनअप करेगी। सबसे पहले आप अपने हाथ को हाथ से हाथ को जोड़ें, उसके बाद अपने हाथ को आगे ले आएँ, उसके बाद पीछे ले आएँ। ये वाली एक्सरसाइज तो नंबर एक की एक्सरसाइज है आपके ब्रेस्ट के लिए। आपके हाथ को भी ये टोन करेगी, जैसे बहुत सारे मसल्स ऊपर फैट सारे होते हैं ना, उनको धीरे 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 कम करेगी। मुझे इतना ज़्यादा फैट था, इतना ज़्यादा फैट था, इतना ज़्यादा फैट था, पूरे शरीर में ही मेरे फैट ही फैट थे। आजकल तो मेरे हाथ इतने ज़्यादा पतले खुद को लगते हैं, मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब खुद को ही खुद, जब आप खुद को खुद अच्छे लगने लगो ना तो फिर दुनिया की कहा सुनी आपको ज़्यादा नहीं सुननी पड़ती है। आप खुद को अच्छे लग रहे हो यही सबसे अच्छी बात है। हम दुनिया को अच्छे लगेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं, हम पैसा थोड़े ही हैं सबको पसंद आए सबको अच्छे लगें, हम खुद को अच्छे लगें सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही बात होती है। और हम अपने कर्म कर रहे हैं, जैसा हम कर्म करते हैं फल भी वैसा ही मिलता है। तो जैसा मैं अपना कर्म कर रही हूँ यानी एक्सरसाइज कर रही हूँ, उसी हिसाब से मुझे बेनिफिट मिल रही है और काफ़ी ज़्यादा वज़न कम हुआ है। ये वाली एक्सरसाइज आपके ब्रेस्ट के लिए, आपके हैंड के लिए, और जहाँ पे ऐसे होता है ना अंडरआर्म्स के पास, जब बहुत सारे ऐसे फैट, जब हम कपड़े पहनते हैं तो बहुत सारे फैट्स ऐसे रहते हैं, उसको जो है हमारा धीरे धीरे ख़त्म करेगी। जो मैं अभी थोड़ी देर पहले एक्सरसाइज कर रही थी वो वाली, ये वाली एक्सरसाइज तो जंपिंग जपाक कह सकते हैं, मैं जंपिंग जपाक कहती हूँ बेटा, जिप जैप कहता है ऐसे कुछ करके एक्सरसाइज का नाम है। कम से कम 20-20 बार 20-20 की 2 सेट करें। ये वाली एक्सरसाइज आपको एक ही स्थान पर रहकर दौड़ लगानी है। अच्छा, आपको इसमें से कौन सी सारी एक्सरसाइज आपको ज़्यादा पसंद आती है? मतलब मुझे तो सारी की सारी एक्सरसाइज पसंद होती हैं, और सबसे अच्छी बात क्या होती है, मुझे एक्सरसाइज अब याद हो गई। पहले तो मुझे देख के एक्सरसाइज करती थी, यानी मोबाइल को क्या करती थी, टीवी में कनेक्ट कर देती थी, जैसे टीवी चलता था वैसे मैं एक्सरसाइज करती थी। कमरे में जगह होती थी, लेकिन अब घर में इतने सारे सामान होने की वजह से कहीं भी जगह ही नहीं है एक्सरसाइज करने की। अगर मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मुझे चोट लग सकती है, इसलिए मैं घर में एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। बरामदे में भी देख सकते हैं इतना सारा सामान भरा पड़ा है, लेकिन अब एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ी सी जगह होती है। वाली एक्सरसाइज आपके बेली फैट को कम करेगी, बेली फैट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कम से कम आपको 2-3 मिनट तक आपको इस एक्सरसाइज को करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेट के बल ऐसे आपको कमर पे हाथ रख के ऐसे सीधा, मतलब ऐसे सीधा कमर पे आप अपना हाथ जरूर लगाएं, क्योंकि कमर में हमारे बहुत पेन होती है। 3-3 सुइयाँ लगी हैं, कोई सुई जिसको लग जाती है ना उसको कमर में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो जितनी मैं एक्सरसाइज करती हूँ आप लोग देखते हैं, मैं अपने कमर पे सपोर्ट लगा के जरूर एक्सरसाइज करती हूँ, तो कमर को सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार के साथ ही एंड करते हैं और चलते हैं अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा उजाला हो चुका है, देर हो चुकी है, आई थिंक मुझे लगता है 6:30 से ज़्यादा हो रहेंगे। सबसे पहले मैंने सोचा थायराइड की दवा ले लेते हैं, और जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद शुरुआत करते हैं अपने घर के काम की, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई किचन की, और जो है कुछ काम वाम, मतलब आज क्या बनाना है क्या बनेगा इन सब की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले पद्देव जी वॉक करके आए हैं, उनके लिए मैंने चना निकाल के रख दिया है, चना खाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने चीनी, चाय पत्ती, अदरक सब कुछ भगोने में डाल दिया है, और दूध डाल के मैं चाय भी रख देती हूँ, चाय भी सब लोग पियेंगे। छुट्टी तो ऐसे संडे को रहती है, त्यौहार आता तो रहती है, लेकिन हमारे बच्चे अपने आप कभी कभार छुट्टी मना लेते हैं, कोई बात नहीं है।
जब उनका मन हुआ स्कूल गए गए, नहीं मन हुआ नहीं गए। और आज मैंने ठंडा पानी नहीं पिया क्योंकि थायराइड की गोली खाए भी थोड़ी देर पहले हुआ है, मतलब आज मैंने देर से दवा ही ली है। देखिए जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है उस दिन मैं भी सोचती हूँ चलो अपना आराम से उठूँगी, नींद को पूरा करती हूँ, वरना जिस दिन बच्चों का स्कूल होता है उस दिन तो मेरी मतलब दिन में रात में कई बार नींद खुलती रहती है, खुलती रहती है, टेंशन लगी रहती है बच्चों के स्कूल की। और मैं ही नहीं, मुझे लगता है दुनिया की हर माँ को टेंशन लगी रहती होगी अपने बच्चों को कि बच्चों का स्कूल देर ना हो जाए, इसलिए भाई मुझे टेंशन तो लगी रहती है, मुझे हर काम की टेंशन लगी रहती है। हर काम को मैं बहुत ही ज़्यादा सोच विचार के करती हूँ, एक काम करने के लिए मैं 10 बार सोचती हूँ और 10 बार सोचने के बाद मैं उस काम को करती हूँ, सही गलत है कि सही है इस पर मैं बहुत ज़्यादा मतलब सोच विचार करती हूँ। तो यहाँ पर बेटे के लिए ब्रेड निकाल के दे दिया, वो ब्रेड दूध खाएगा, बाकी हम तीनों लोग चाय और ब्रेड, आधा ब्रेड मैंने गौरी से लिया है, गौरी में खा रही थी ना और मैंने उसमें आधा ब्रेड लिया, थोड़ी सी 2 घूंट चाय, उसके बाद अपने काम किए। सबसे पहले तो मैंने झाड़ू लगाया, पोछा मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, चद्दर झाड़ करके सबसे पहले मैं चद्दर को बिछा देती हूँ, ये डेली का काम होता है, शाम के टाइम भी चद्दर झाड़ के बिछाया जाता है, सुबह के टाइम भी। देखो ऐसे तो शाम के टाइम सुबह के टाइम कोई ज़रूरी नहीं होता झाड़ के बिछाना, लेकिन मैं अपने तरीके से झाड़ू करने के बाद मैं सोचती हूँ खूब अच्छे से चद्दर क्लीन करके बिछा दूँ तो अच्छा रहता है, ऐसे सिकुड़ा बटोरा रहता है तो अच्छा नहीं लगता, पूरा दिन के लिए फ्रेश फ्रेश रहता है। और यहाँ पर ये बगल वाला भी चौकी पे चद्दर झाड़ के बिछा दिया है, तो यानी झाड़ू हमने कर दिया है और चद्दर झाड़ के बिछा दिया है। पहले मैं चद्दर झाड़ के रख देती हूँ, उसके बाद फिर झाड़ू लगाने के बाद बिछाती हूँ, वरना झाड़ू लगाते हैं वैसे तो गंदगी नहीं उड़ती है लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान देना होता है। तो बस झाड़ू का काम हो चुका है, चद्दर वद्दर हमने बिछा दी है, उसके बाद मैंने कहा चलो भाई अपना फेस पैक लगा लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कच्चा दूध है, एलोवेरा जेल है जो कि मैं अप्लाई करती हूँ, हर रोज़ अप्लाई कर लेती हूँ, उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके अपने चेहरे पे अप्लाई कर लेना है, कम से कम आप इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दो, उसके बाद अपने फेस को क्लीन कर लो, चाहे तो आप फेस वॉश करो चाहे ना करो, ये फेस पैक बहुत अच्छा है, आपके फेस को एकदम से क्लीन करेगा। और आज मुझे लगता है फेस पैक थोड़ा सा कम पड़ गया, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं चलो इसी में से पोत पात लेते हैं, थोड़ा सा पूरे चेहरे पे पोत पात लेते हैं किसी तरीके से। तो बस ये अच्छे से अप्लाई हो चुका है, इसको सूखने देते हैं कम से कम आधा घंटे के लिए, तब तक हम काम देख लेते हैं, कोई काम है उसको कर लेते हैं, तब तक हमारा फेस पैक सूखता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने कुकर लिया है, कुकर में मैंने दालचीनी थोड़ी सी एक टुकड़ा और बड़ी इलायची और एक तेज़पत्ता मैंने डाला है, उसके बाद यहाँ पर उड़द और राजमा रात को मैंने भिगो के रख दिया था, उसके बाद उड़द राजमा मैंने डाल दिया, आज मैं उड़द राजमा की दाल बनाऊँगी। साथ ही मैंने इसमें वही कटोरे भर के पानी डाल दिया है, हल्दी डाल दिया है, स्वाद अनुसार इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और थोड़ा सा घी डाल देते हैं, बस इसको बॉयल होने के लिए रख देते हैं। तो पहले तो हम इसमें 1 सीटी लेंगे हाई फ्लेम पे, उसके बाद इसको हम 5-6 सीटी लगाएंगे ताकि अच्छे से हमारी राजमा और उड़द की दाल अच्छे से गल जाए, उसके बाद हम इसमें तड़का उड़का लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको चढ़ा दिया है गैस पे हाई फ्लेम पे 1 सीटी लेंगे, उसके बाद इसको दूसरी तरफ धीमा करके गैस पे चढ़ा देते हैं, धीमी धीमी गैस पे मैं 5 सीटी इसमें लगाएंगे ताकि हमारा उड़द और राजमा अच्छे से गल जाए। तो चलिए इसमें सीटी लगने देते हैं, उसके बाद हम अपना स्नान ध्यान पूजा पाठ करते रहेंगे, ये सीटी लग जाएगा बच्चों से बोल देंगे तो अपना बंद कर देंगे। और बस किचन में फटाफट से आने के बाद प्याज टमाटर अदरक लहसुन हरी मिर्च इन सबको मैंने काट पीट के तैयार कर लिया। आज मैं जो दाल बनाऊंगी ना उसको प्यूरी बना के ऐसे डालूंगी, तड़के में मैं ऐसे खड़खड़ा नहीं डालूंगी, बच्चे क्या करता है निकालने लग जाते, तो मैंने कहा आज मैं भी होशियार वाली मम्मी बन के दिखाऊंगी, सब कुछ प्यूरी बना करके आज मैं दाल में डालूंगी। तो आप ये 2 टमाटर 2 प्याज हरी मिर्ची लहसुन अदरक सब कुछ प्यूरी बना लिया, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा 1 चम्मच भर के राजमा मसाला, क्योंकि इसमें राजमा है ना आप डालोगे तो अच्छा लगेगा, जैसे मैं आलू टमाटर की सब्जी में चने का मसाला डालती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है खट्टा खट्टा, बाकी इसमें थोड़ा सा सब्जी मसाला थोड़ा सा किचन किंग हल्दी पाउडर थोड़ा सा जाएगा, उबालते समय हल्दी डाली थी लेकिन क्या ये काली वाली दाल जो होती है ना बहुत काली होती है, इसमें कितना भी हल्दी डालते जाओ इसका कलर तो फेयर होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है और थोड़ी सी मैं इसमें घी डालूंगी, चाहे तो आप सिर्फ घी में या फिर मक्खन में भी तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों मिक्स करके डाला है, थोड़ा सा सरसों का तेल थोड़ा सा घी डाला है, उसके बाद जीरा डाला है, कसूरी मेथी डाली है, उसके बाद जो प्यूरी बना करके रखी प्यूरी ऐड कर दी है, मसाले को इतना भुनना है ना ये बिल्कुल एकदम से ड्राई हो जाए, देखिए एकदम मसाला एकदम से अलग हो चुका है, बिल्कुल इसमें कोई पानी नहीं है, लम्स नहीं है, मतलब ये अच्छे से बहुत अच्छे से पक चुका है। आप कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच डाल सकते हैं, लेकिन मैं ना कश्मीरी लाल मिर्च डाली हूँ ना ही इसमें कलर वाली कोई, मतलब ना कश्मीरी लाल मिर्च ना ही साबुत खड़ी लाल मिर्च ना पीसी कुटी लाल मिर्च, कोई लाल मिर्च नहीं डाला, सिर्फ हरी मिर्च मैंने डाला था जो कि प्यूरी में पीसा था। इसके बाद मैंने दाल को ऐड कर दिया है, दाल और राजमा को, और थोड़ा सा मैंने ऊपर से पानी डाल दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी दाल थी तो उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है, दाल पकती रहेगी। इधर मैंने चावल भी धुल करके रखा है,
कुकर धुल करके उसी सेम कुकर में मैंने चावल भी ऐड कर दिया है, बस थोड़ा सा पानी डाल करके। ये चावल जो है ना, ये स्टीम राइस है, इसको जो कहते हैं शुगर वाले बहुत अच्छे तरीके से खा सकते हैं, जिनका वजन कम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से इसे खा सकते हैं। तो यानी ये स्टीम राइस है, शुगर फ्री राइस है, जिनको शुगर होता है वो भी खा सकते हैं, वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है, सबके लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर हमारी दाल में उबाल अच्छे से आ चुका है, यानी ये दाल अच्छे से पक चुकी है। गाढ़ा पतला आप अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। दाल उतार करके मैंने बाउल में खाली कर लिया है। कसूरी मेथी को हल्का सा तवे पे भून करके इसको अच्छे से रगड़ करके हाथों से इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा फ्रेश मैं दूध से तुरंत क्रीम वाली मलाई डाल देती हूँ। आपके पास क्रीम है तो आप 2-3 चम्मच भर के डाल सकती हैं। मैंने यहाँ 2 चम्मच दूध से मलाई ताज़ी ताज़ी निकाली हुई फ्रेश क्रीम, मतलब घर का बना हुआ जो दूध उबाल के रखते हैं उसकी क्रीम निकाल करके अच्छे से मिक्स करके डाल दिया है। 1 चम्मच भर के यहाँ से 1 से 1.5 चम्मच भर के मैंने यहाँ पर डाल दिया है मक्खन। आप चाहे तो जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं, जो भी मन करे आपका स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी के अनुसार है। जो आपके पास अवेलेबल है डाल दें, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। दाल इतनी बढ़िया टिमटिम बनी थी, आज सब्जी की कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ दाल चावल रोटी सिंपल आज हमने बनाया था। क्योंकि आज ना मेरा मन नहीं था बिल्कुल कुछ भी बनाने का, इतनी ज़्यादा कभी कभी गर्मी पड़ने लगती है ना, ऐसे उमस वाली गर्मी होती है तो कुछ भी काम करने का मन नहीं होता। लेकिन कहें भी तो कैसे, खाना बनाने बिना चलेगा नहीं, और बाहर का खाना इतना अच्छा होता नहीं है। बस थोड़ा सा ही घर का बना लो, चावल ही बना लो, फ्राई करके खा लो, अचार प्याज से खा लो, कुछ भी घर का आप खा लो, सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है। बाहर आप पैसा भी देते हो, खाना भी अच्छा नहीं मिलता है आपके, मतलब स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता। घर का दाल चावल, घर का दाल रोटी, एनीथिंग, घर का मिर्ची और रोटी, घर का नमक और घी रोटी, घर का दूध और गुड़ रोटी, घर का दही रोटी, आप कुछ भी घर का खा लो, घर का होता है, बाहर का होता है। तो अब हमने किया है दोपहर का लंच, और अब हम करेंगे बर्तन की साफ सफाई। दिल तो तेरा बागी है, बेफिक्री का आदि है, तू तो पिघला सोना है, तेरे को क्या होना है, परिंदों का साथी है, किस्मत भी राजी है, तू तो पिघला सोना है, होता है जो होना है। आसमां और दोपहर के बाद अभी आपको शाम के 5 बजे मिल रहे हैं, और शाम के 5 बजे उठ करके सबसे पहले मैंने सब्जियों की कटिंग चॉपिंग कर दी है, बाल कंघा कर लिया है, दिन भर पूरा कंघा नहीं किया था। तो यहाँ पे आज शाम के रात के डिनर में बनेगा आलू और बीन्स की सब्जी। सब्जी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, 2-1 सब्जी और बची है, जो बची है सब्जियाँ बस वही बन रही हैं। आलू तो है ही कुछ नहीं, तो आलू सही, लेकिन आलू तो जिनके लिए वज़न कम कर रहे हैं उनके लिए भी ठीक ठाक है, लेकिन शुगर वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन अब क्या करें, कितना परहेज करें, परहेज भी चलता रहता है, खाते भी रहते हैं, ऐसा होता रहता है। तो बस यहाँ पे हमने चाय बना के रख दी है, आलू और बीन्स की सब्ज़ी कट करके रख दिया है, क्योंकि वॉक करके आने के बाद बहुत कम टाइम बनता है और डिनर भी टाइम से बनाना होता है। तो बस चाय पियेंगे, उसके बाद फटाफट से वॉक पर निकल जाएंगे। गर्मी उमस तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या है ना, बाहर निकल जाओ तो थोड़ा सा सुकून शांति मिल ही जाती है। ये सुंदर सुंदर फूल ऐसे दिख रहे थे, सफ़ेद सफ़ेद वाले फूल, और जब सफ़ेद फूल मुझे कहीं दिखाई देते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनका तोड़ के लाऊं और गजरा बनाऊं, खूब अच्छे लगते हैं सफ़ेद फूल। पता नहीं ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन सफ़ेद फूल देख के जो मन में मेरी हलचल होती है, बस ये ऐसी होती है। सफ़ेद वाले फूल बहुत सुंदर लग रहे थे। आजकल फूल, पेड़ पौधे के क्या ही कहने, सावन में हर चीज़, कोई भी घास फूस दिख जाए वो हरी हरी दिखती है, चारों तरफ हरा हरा दिखता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडी आएगी अपने आप सूख जाएगी, गर्मी तक तो बिल्कुल गायब हो जाती है, लेकिन सावन के महीने में, भादों के महीने में, या फिर ये कह लो बारिश के महीने में, चारों तरफ हरा हरा दिखे, ऐसे लग रहा है कि हम गांव में टहल रहे हैं। बिल्कुल ये शहर जैसा बिल्कुल नहीं लगता है कि हम शहर में आएँ या शहर में हम वॉक करने आएँ, बिल्कुल गाँव जैसा लग रहा है। और मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा घास पर वॉक कर लेते हैं। आज मेरी सखी सहेली कोई आई नहीं थी, मैं ही अकेली गई थी, गौरी के साथ में गई थी, मैंने कहा चलो ठीक है, वरना मेरी सखी सहेली आती है तो बस यहाँ पर बैठका हो जाता है, बातें चीतें होती हैं। हरी हरी घास पे जो है ना चलो, और आजकल तो शीत भी पड़ने लगी है, ऐसे सुंदर लगता है हरी हरी घास पे। ओस वाली घास पे चलने में ना बहुत अच्छा होता है, सब लोग कहते हैं जो ओस पड़ी है सुबह के टाइम आप चलो, शाम के टाइम चलो तो बहुत अच्छा होता है, आपके आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। शाम के टाइम ही ओस पड़ने लगी है, सुबह तक तो काफ़ी ज़्यादा ओस पड़ी रहती है। और बस वॉक होने के बाद 30-40 मिनट वॉक हुई, 10-15 मिनट बैठे हम दोनों गौरी ने, उसके बाद वापस लौटते समय दूध लेते आए, दूध थोड़ा सा ज़्यादा है,
मतलब कल कम था तो आज पूरा का पूरा उतना कम जितना कम था उतना पूरा किया गया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा दही जमा देते हैं, तो सबसे पहले दूध को भगोने में गर्म होने के लिए रख देते हैं, बाकी का दूध भगोने से दूध निकाल करके पहले दही जमा लेंगे, फिर भगोना खाली हो जाएगा, बाकी का दूध इसमें ऐड कर देते हैं। तो दूध अच्छे से गर्म होने देते हैं, खौलने देते हैं। दही जमाने के लिए दूध को खूब अच्छे से गर्म करना होता है और टाना होता है, गाढ़ा करना होता है। उसके बाद गाय का दूध है तो दही जमाएं। अभी मैंने डिनर की कोई तैयारी नहीं की थी, मतलब सब्जी कट कर लिया है, आटा गूंथ लिया है। मैंने कहा चलो दूध दही का काम पहले निपटा देते हैं, उसके बाद हम डिनर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है दूध को अच्छे से गर्म कर लिया, उसके बाद दूध को ठंडा कर लिया है, उसके बाद इसमें जोरण डाल देते हैं और इसको ढक करके रख देते हैं। सुबह तक आपकी दही जम के तैयार हो जाएगी। और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।